ए एन द ग्रामर में इनको कहते हैं आर्टिकल्स, ठीक है? क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। अब आपको पता है एन जो है वॉवल साउंड से पहले लगता है, किससे पहले लगता है? वॉवल साउंड, वॉवल से पहले नहीं, वॉवल साउंड से पहले। वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू होते तो पांच हैं, लेकिन इनकी साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए, इनके साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं। आपको पता है ए से जेड तक अल्फाबेट्स 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल और 21 कॉन्सोनेंट। लेकिन ये जो 5 वॉवल होते हैं उनके साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं, और ये जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इनके 24 साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट के भी साउंड होते हैं। उन सब के साथ ए लगता है और इन 20 साउंड के साथ एन लगता है। अब जैसे ए के ए साउंड होता है, ए साउंड होता है, आ भी साउंड होता है, इसी तरह ई का ई, ई ए भी साउंड होता है, ये सब इस तरह से। अच्छा, एक ख़ास बात आपको याद रखनी है, जैसे ये जो यू का साउंड होता है, यू यू का साउंड जो है अगर आ निकलेगा तब तो आप एन लगाएंगे, लेकिन यू का साउंड अगर यू निकलेगा या यू निकलेगा तो ए लगेगा, ये ख़ास बात याद रखिएगा। अब जैसे जो हम कहना चाह रहे हैं वो देखिए, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, यू को क्या कहेंगे? यहाँ पे यू का साउंड आ निकल रहा है, अगर हम हिंदी हिंदी में लिखें अम्ब्रेला, बा की आवाज़ नहीं निकलेगी, अम्ब्रेला। अब देखिए यू का आवाज़ क्या है, यू अम्ब्रेला नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? इसलिए यहाँ पे एन लगा है। इसी तरह यू का यू एन सी के लिए अंकल, यू को क्या कह रहे हैं? आ, अंकल, अंकल, ठीक है? तो यू की आवाज़ क्या निकली? आ, इसलिए एन लगा है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी होता, अब यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ क्या निकल ली है? यहाँ में छोटे हुए यू, यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब यहाँ पर यू की आवाज़ यू निकल ली है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा, ठीक है? तो यू की आवाज़ में वोवल साउंड यू का जो होता है वो आ माना जाता है, यू नहीं माना जाता। ओके, इसी तरह जैसे चेयर में सी, सी को चा पढ़ने, सी एच को चा पढ़ने, तो चा जो है वोवल साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगा।